अच्छा स्वामी जी, जब आप थायराइड को कंट्रोल करने की स्वामी जी जब आप बात कर रहे होते हैं जी, तो मेरे भाई हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसमें कंट्रोल हो रहा होता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी कई बार लोगों का वजन बढ़ता है, या फिर हार्मोन को बैलेंस करने के लिए कुछ और भी करने की जरूरत पड़ेगी? तो देखो, जो इन बेटियों की तरह ऐसे एडवांस योग करेंगे, पूर्ण भुजंगासन करेंगे, पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण धनुरासन करेंगे, उनको तो ये, और शीर्षासन, सर्वांगासन आदि करेंगे, उनको तो ये प्रॉब्लम होगी नहीं। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, एक तो ये लाइव एग्जांपल आपके सामने, लाइव इंस्पिरेशन, लाइव मोटिवेशन। दूसरा देखो, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक तो ये पॉइंट दबाए, ये पॉइंट दबाया दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। और दूसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बेस्ट है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत जबरदस्त है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और मन का संयम बहुत जरूरी है। संयम से के बिना, अनुशासन के बिना, योग तो प्रारंभी अथ योग अनुशासन, एक तो दैहिक अनुशासन है, कठिन कठिन आसन, गर्भासन बैठ करके और सुप्त गर्भासन लेट करके, और ये जो अलग अलग आसन है, चलो सुप्त गर्भासन कर लो। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक तो एडवांस योग है, ये तो सबसे हो ना सकेगा, फिर भी हम इसलिए बताते रहते, बहुत से बालक, बहुत सी बालिकाएं, बहुत से यूथ, यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स अपने घरों में इंडिया टीवी देख देख करके एडवांस योग सीख रहे हैं और नेशनल इंटरनेशनल योग के कॉम्पिटिशन्स में वो विजेता बन रहे हैं, और जो योग पंचायत है उसमें भी सबसे ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं वो यूथ के ही आते हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, और मेधावटी मेमोरी ग्रीट मेधा क्वात, और सुबह सुबह एक चम्मच कोई गाय का घी खा ले। अच्छा, ये एक खास बात है, सुबह सुबह एक चम्मच गाय का घी खाओ, उससे आपका वजन नहीं बढ़ता, और ऊपर से एक चुटकी नमक मुंह में डाल के तेज गर्म पानी पी जाओ, लो, ये आपके लाइपोलाइसिस को बढ़ाता है, शरीर को पोषण देता है, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत करता है, फैट नहीं बढ़ाता। जो आप पराठे के ऊपर मक्खन डाल करके खाते हो, पराठे में धुआं उड़ाते हो, फिर जीवन का ही धुआं उड़ने लगता है, और वो लाइपोजेनेसिस उससे बढ़ जाता है। तो ये घी को भी खाने का सही सलीका तरीका होना चाहिए, जीवन का सही सलीका तरीका हम यहाँ पर बताते रहते हैं, फास्टिंग का भी सही सलीका आज जैसे हमने बताया, जीने का सही सलीका यहाँ पर बताते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जरूरी है अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम, मन की प्रसन्नता, जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन्ड लाइफ, समय से सोना, समय से जागना, समय से खाना पीना, काल भोजनम आरोग्य कराणम, जो विरुद्ध आहार करते हैं, हितारा अल्पहारा मिताहाराश्च ये नराह नैता न वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ति चिकित्सका युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो ये प्राणायाम करें, ध्यान करें, और संतुलित जीवन, बैलेंस लाइफ, तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं होगा मेरे भाई हुसैन जी। चलो, क्या बात है स्वामी जी, आप सिर्फ योग ही नहीं सिखाते, आपने एडवांस आसन बहुत अच्छे की, एक बार सब बेटियों का बहुत बहुत अभिनंदन। जिंदगी जीने का सलीका भी आप सिखाते हैं, ये इस कार्यक्रम की खूबी है।